and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. डॉक्टर प्रमोद पांडे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस। आज कैसी धरना है, क्या है? देखिए आप लोग देख लगातार देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में क्या क्या वारदातें हो रही हैं। जिस कदर से 1069 बसें कम नहीं हुआ करती, कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय हमारी माननीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के बॉर्डर पर भेजा था, जिसको बैरंग वापस कर दिया उत्तर प्रदेश के इस निरंकुश, निष्ठुर और निर्मोही योगी जी की सरकार ने। और उसके लिए जब आगरा पहुंचते हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी कि इन गरीबों का भला होने वाला है, गरीबों के मदद के लिए आप उस पर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगवा लीजिए, आप चाहे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर लगवा लीजिए, लेकिन गरीबों के हक के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा में जाने दीजिए, उनके गंतव्य तक उनको पहुँचाने के लिए। ऐसे में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, गरीबी की लड़ाई लड़ने वाले अजय लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करते हैं आगरा में, वहां से जमानत मिलती है, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं पिघलता, इससे मन उनका नहीं मानता है और तुरंत फिर रिसीव कर लेते हैं। एक एसीपी दिल आगरा पहुंचता है और वहां से उनको गिरफ्तार करके लखनऊ लाया जाता है और हिरासत में उनको जेल भेज दिया जाता है। आज हम सब आज ये मांग करते हैं कि अजय लल्लू को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। ये उत्पीड़न की कार्रवाई, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का जो दौर चल रहा है, उत्पीड़न की कार्रवाई बंद की जानी चाहिए। और एक शर्मनाक घटना है, आज लगातार आप सबके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस ढंग से आज 26 मई कहा जा रहा है कि आज एक वर्ष केंद्र सरकार के हमारे पूरे हो रहे हैं, एक साल पूरे हो रहे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तारीखों के अनुसार, और हम सब देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी जी के लोग कि आज उपलब्धियों का एक वर्ष हम सब आज मनाएंगे और आंकड़े पूरे चैनलों के माध्यम से सब लोगों के बीच में साझा किए जाएंगे। बड़ी शर्मनाक घटना है मोदी जी कि आज आप उपलब्धि बखान रहे हैं। मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, अर्थशास्त्र मैंने भी पढ़ा है, आज आप वो सारे आंकड़े झूठे हो गए अर्थशास्त्र के। मुझे कतई पता नहीं था कि जो आंकड़ों में इस हिंदुस्तान की गरीबी देखी जाती थी, आज आंखों से गरीबी देखी जा रही है। आज हिंदुस्तान के लोग इतने गरीब हो गए हैं कि 1,500-2,000 किलोमीटर पाँव में छाले पड़ने के बावजूद भी पैदल चल रहे हैं हमारे कामगार।